साउथ इंडस्ट्री आज दुनिया भर से प्यार बटोर रही है और उनके स्टार्स की रीच काफ़ी ज़्यादा पहले से बढ़ गई है। चाहे वो रजनीकांत हो या कमल हसन जैसे एक्टर्स ने एक टाइम पर दुनिया भर में पॉपुलर होकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री का परचम दुनिया भर में लहराया था, लेकिन पहले लोग एक दो स्टार्स को ही जानते थे और उन्हीं की फिल्में देखा करते थे। लेकिन आज का दौर एकदम अलग है। अब हर एक साउथ का स्टार हिंदी ऑडियंस का भी स्टार है, चाहे वो फवाद फाजिल हो, प्रकाश राज हो, प्रभास हो, सामंथा हो या फिर प्रियामणि का नाम क्यों ही ना हो उस लिस्ट में। आज लोग इन सभी को अच्छे से जानते हैं और इनको सोशल मीडिया हो या फिर इनकी फिल्मों को काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। और प्रियामणि तो हाल ही में रिलीज़ हो रही फिल्म मैदान में भी दिखने वाली हैं। प्रियामणि फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी काम कर चुकी हैं, उन्हें इस इंडस्ट्री में आए हुए 2 दशक से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। इस दौरान एक्ट्रेस ने कई सारी साउथ की फिल्मों में कई वर्सेटाइल रोल भी प्ले किए हैं। आज के दौर में चाहे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को ले लें या फिर साउथ फिल्म इंडस्ट्री को ले लें, प्रियामणि सबसे बैलेंस्ड एक्ट्रेस में से एक हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा और आप सभी देख रहे हैं TVN भारतवर्ष। आज हम आपको प्रियामणि के बारे में ही कुछ बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं और कैसा उनका अभी तक का रोल रहा है फिल्म इंडस्ट्री में। एक्ट्रेस के पिता एक बिजनेसमैन थे और उनकी माता एक नेशनल लेवल की बैडमिंटन प्लेयर थी, साथ ही वो बैंक मैनेजर भी थी। प्रियामणि को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, उन्होंने अपने स्कूल डेज से ही कई सारे एड शूट्स कर लिए थे, लेकिन जब फिल्म डायरेक्टर भारती राजा की नज़र प्रियामणि पर पड़ी तो उन्होंने एक्ट्रेस को फिल्मों में इंट्रोड्यूस करा दिया। एक्ट्रेस की खास बात यह है कि वो हर तरह के रोल्स को बड़ी आसानी से कर सकती हैं, इसके लिए ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने मनोज वाजपेयी की वेब सीरीज़ द फैमिली मैन में एक मैरिड वर्किंग वूमेन का रोल प्ले किया था, जिससे वो फिल्म एक अलग ही लेवल पर चली गई थी और उनका वो रोल काफ़ी पसंद भी किया गया था। वहीं दूसरी तरफ पिछले साल ही शाहरुख खान की फिल्म जवान में भी वो एक एक्शन मोड में नज़र आई थी। अब एक्ट्रेस मैदान में अजय देवगन की पत्नी के किरदार में नज़र आने वाली हैं, जो कि उनका एकदम सिंपल लुक आपको देखने को मिलेगा। ये एक स्पोर्ट्स बायोग्राफी फिल्म है जो फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में साल 1952 से 1962 के बीच के उस दौर को दिखाया जाएगा जिसे भारतीय फुटबॉल टीम का सुनहरा दौर कहा जाता है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सभी बने रहें TVN भारतवर्ष के साथ। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।